नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीसीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस। आज की ताजा खबरों के साथ मैं श्वेता। खनिज विभाग ने पकड़ा महाराष्ट्र से आए हुए गिट्टी के डंपर। लांजी, देखा जाता है कि काफी समय से लांजी, जो कि मध्य प्रदेश में तो है लेकिन साथ ही दो राज्यों को जोड़ने का कार्य करती है। इस कारणवश मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र राज्य से रेत व गिट्टी का अवैध परिवहन हो रहा है। इसी क्रम में लांजी आमगांव मार्ग पर ग्राम कुलपा नाके के पास गिट्टी से भरे दो डंपरों पर खनिज विभाग के द्वारा कार्यवाही की गई। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार गिट्टी से भरे दो डंपर MH 35AJ 0282A MH 35AJ 2638, जो कि चालक सुदर्शन एवं संजू के द्वारा चिरचाड़ महाराष्ट्र से गिट्टी लेकर मध्य प्रदेश में प्रवेश किए जा रहे थे। दोनों ही वाहन कुलपा होते हुए लांजी की ओर आ रहे थे। इसी दौरान नाके के पास खनिज विभाग के अधिकारियों ने दोनों ही वाहन को रोककर आवश्यक दस्तावेज मांगे, जो कि वाहन चालक के पास नहीं थे। गिट्टी की रॉयल्टी थी लेकिन मध्य प्रदेश सीमा में प्रवेश करने के लिए इंटर स्टेट पास नहीं होने के कारण 10% जो टैक्स लगाया जाता है, इसी संबंध में कार्रवाई की गई है। दोनों ही डंपरों को पुलिस थाना लांजी लाकर अभिरक्षा में खड़ा करवाया गया है तथा अग्रिम कार्यवाही खनिज विभाग बालाघाट के द्वारा कलेक्टर बालाघाट को प्रतिवेदन बनाकर भेज दिया जाएगा। बाहरी राज्यों से रेत व गिट्टी का परिवहन होने के कारण अपने राज्यों के खनिज विभागों को लाखों रुपए की चपत भी बैठती है। एमपीसीटी 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। स्टेटमेंट तो लेने बोल देवे। हम्म,